परिजनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और वंदन भी है। आज की ये सत्संग सभा आज यहाँ पर अमृत बरसने वाला है। अभी ये सत्संग सभा के आरंभ में मैं सुन रही थी, कोई कहता हुआ जा रहा था कि अभी कार्यक्रम शुरू होने में देर है, अभी कुर्सियाँ खाली हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम की तो हम टिकट खरीद के, वो हमारा अधिकार हो जाता है, हम पैसे खरीद के और अपने कॉन्टैक्ट से वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन जो सत्संग होता है वो प्रभु कृपा से ही मिलता है। सत्संग वो अमृत है। अमृत पाने के लिए देखिए देवता और दानवों ने, दोनों ने मेहनत करी थी, लेकिन प्रभु की कृपा तो केवल देवताओं पर थी। इसीलिए अमृत कलश हाथ में आने पर भी दानव उससे वंचित रह गए और देवताओं ने अमृत पान किया। तो आज ये सत्संग सभा में जो स्वामी महाराज हम लोगों को अमृत पान कराने वाले हैं, ये वही कर पाएंगे सुधी जन जिन पर प्रभु की कृपा होगी, वरना तो गंगा जी के किनारे जाकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। आज के सत्संग का आरंभ करते हुए मैं बहुत बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ गुरु महाराज से और आचार्य जी से कि वो कृपया माल्यार्पण करके, पूजन करके और दीप प्रज्वलन करके इस सत्संग का आरंभ करें। आनंद राम संबत्तरी माशाना माचोत्री माशी पुण्य पवित्री माशी मार्गशीर्ष माशी कृष्ण भक्ति कृष्णा परमन्यांतर्गत चतुर्दश्याम तथोरविवासरानन्दायाम अमुक गोत्रः बोधदार गोत्रोत्पन्नस्य श्री कार्तिकेय गुप्तस्य सकल हरिष्णवृत्ति पूर्वक सतीश फल प्राप्ति भूत कामनीया हेतवे एतद् श्री सद्गुरुदेवस्य तथा च इष्ट देवता प्रीति कामनीया हेतवे श्री नूतन ग्रंथ पूजन कर्माहम एवं इष्ट देव पूजन कर्माहम करिष्ये। ओम जग्जागृतो दूरमुदयचिदैवज्योतिरेकस्तर्वे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम मा मुखे आचमनीयामर्पयामि द्वारा पुष्पांगी सर्वी सर्वी सर्व।
मुखानां तामहो पावये श्री अम्बा ओम रामो राजमणि सदा विजयते राम प्रवेशं भजे राम राम दानसारं रामाय तस्मै नमः रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तया सदा भवतु राम राम धरा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम राम परारे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम राम परारे हस्ते स्फाटिकमालिकाम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां आते हरिः ओं माओं ग्रन्थाधिष्ठाते देवताभ्यो नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धादिपुष्पाणि समर्पयामि तत्प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि हरिः ओं मा ॐ रामो राजमणिः सदा विजयते राम रमेशं भजे राणीनाभितानसाजसमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भातजातं नमामि भगवते श्रीराजानां नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्ते सहस्रकोटि युगधारणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोस्तुते से महाराज मौनी रविपुरी जी के चरण कमलों में और आचार्य अखिलेश जी के चरण कमलों में सभी का वंदन है। अतिथि का स्वागत सत्कार न केवल भारतीय संस्कृति है अपितु ये परंपरा भी है, लेकिन जब हमारे समक्ष प्रस्तुत हो कोई महान संत तो असल में हम उनका स्वागत सत्कार करके खुद को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आज इसी गौरव का अनुभव करने के लिए और शायद आपको सम्मान देकर खुद सम्मानित होने की भावना के साथ मैं यहाँ पर महाराज मौनी रविपुरी जी का स्वागत करने के लिए उमेश गुप्ता जी और प्रेमचंद भाई सबको आमंत्रित करना चाहूंगी कि कृपया वो यहाँ पर आए और महाराज उमेश भाई सब और प्रेमचंद भाई सब महाराज जी को शॉल उड़ाकर नारियल और पुस्तक देकर अपनी भावनाएं अपने उद्गार अपना सम्मान हम सभी की ओर से प्रकट कर रहे हैं। और इसके बाद आचार्य अखिलेश जी के सम्मान हेतु मैं बुलाना चाहूंगी अरविंद पोदार भाई सबको और सुरेश गुप्ता भाई सबको कि कृपया वो यहाँ पर आए और सभी भक्तों को भागवत रस का पान कराने वाले आचार्य अखिलेश जी को शॉल
उड़ाकर और नारियल भेंट करके हम सभी की ओर से सम्मान प्रकट करें। जाड्यम दिहो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोनति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुम तनोति कीर्ति सत्सत्य सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्सत संगति न केवल बुद्धि की मूर्खता को हरती है और वाणी को है अपितु सभी दिशाओं में हमारा मान सम्मान बढ़ाती है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो इस तरह सत्संगति क्या नहीं करती। जीवन में मित्र बहुत से मिलते हैं लेकिन बिना प्रभु कृपा के ना तो संत मिलते हैं और ना सत्संग मिलता है। जैसे हीरे की खान सर्वत्र नहीं होती, वैसे ही असंख्य लोगों के बीच में संत बड़े ही पुण्य और प्रभावशाली कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। संत का संग परमात्मा के संग जैसा है और केवल ब्रह्म ज्ञानी ही इस बात को बता सकते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि और तत् त्वम् असि। इसके लिए एक गुरु का एक संत की प्राप्ति बहुत जरूरी है, वरना तो ईश्वर सबके लिए ऊपर वाला। जब हम कहते हैं ऊपर वाला तो हम ये दिखाते हैं कि वो हमसे कितना दूर है, लेकिन उसके निकट ले जाने वाले केवल महान संत ही होते हैं। उत्तम जीवन से ही सत्संग प्राप्त होता है। जैसे कि पीतल सोने को छूकर पारस बन जाता है और अग्नि का स्पर्श पाकर भस्म रूप में परिणित हो औषधि बन जाता है, ऐसे ही जब हम संतों के सत्संग में आते हैं, उनके संग में आते हैं, तो प्रभु ने मन बुद्धि और इंद्रियां तो सभी को एक सी दी हैं, लेकिन उनके संग के द्वारा हमारे मन कर्म वचन और वाणी और व्यवहार सभी में परिवर्तन होता है। और इसी सत्संग को शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि हमारे बीच में यहाँ पर राशि गर्ग जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि योगानंद सेल्फ रियलाइजेशन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, वो अपना तो परिचय नहीं देंगी लेकिन मैं जानती हूँ कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की हुई है। ये उनकी विनम्रता है कि वो इस चीज को प्रकट नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करने के लिए आपसे अच्छा कोई और हो नहीं सकता था। एक भजन काशी जी के द्वारा। राम नाम रस बीज मन राम नाम रस बीज मन राम नाम रस बीजे राम नाम रस बीजे मनवा राम नाम रस बीजे रस बीजे रस बीजे रस बीजे रस बीजे रस बीजे राम नाम रस बीजे मनवा राम नाम रस बीजे तज को संग सतसंग बैठ तज को संग सतसंग बैठ हरि चर्चा सुन लीजे हरि चर्चा सुन लीजे हरि रामा हरि कृष्णा हरि रामा राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस बीजे काम क्रोध मद मोह
से राम नाम रस का पान कराने के लिए शायद आपका ये राम धुन तो हम लोगों को एक दूसरे ही आध्यात्मिक लोक में ले गई और मुझे लगता है कि प्रभु अपनी कृपा यहाँ पर सभी सत्संगियों के ऊपर बरसा रहे हैं इसी रूप में। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और ना कहते हुए, क्योंकि मेरे ज्यादा बोलने से हमें स्वामी जी महाराज के वचनों का सुनने का टाइम कम रहेगा, इसलिए मैं बुलाना चाहूंगी आचार्य अखिलेश जी को कि वो अपने आशीर्वचनों से अपने कुछ उद्बोधन से। नारायण 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 समारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणाम्बफलाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम्
किमपि तत्त्वमहं न जाने। अहर्निश वंदनीय, नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति नारायण, आज का जो दिन है यह परम पावन दिन है। भगवान कहते हैं माशानाम मार्ग शीर्षोहम, मार्ग शीर्ष का महीना और चतुर्दशी तिथि, क्या कहने। लेकिन इस महीने में एक और विशेष बात, देश काल अदौ संकीर्ति के हिसाब से अगर हम विचार करें तो मन में एक भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है। बहुत अधिक न कह के हम लोग अपनी बात पर आए। भागवत में एक प्रश्न उठाया गया महर्षि व्यास ने, हम लोग कमाते हैं क्यों? सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन क्यों? उसका एक ही उत्तर मिलेगा, खाने के लिए। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे आप बढ़ाएं, खाते क्यों हैं? तब पता लगेगा कि जीने के लिए खाते हैं। जीते क्यों हैं? प्रश्न ये है, बड़ा विलक्षण प्रश्न है, श्रीमद् भागवत का प्रश्न है। जीते क्यों हैं? महर्षि व्यास ने इसका उत्तर देते हुए एक बड़ी मीठी बात कही। जीते किस लिए हैं? अगर ये प्रश्न हमारे हृदय पर उत्पन्न हो जाए, कभी हम इस पर विचार करने लगे, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता, यह जो हमें इंद्रियां मिली हुई हैं, अपने अपने विषयों का रस ले रही हैं, लेकिन उसके साथ विषयों का रस लेने में मन माध्यम है, आंख के साथ आंख रूप देने देखने में सक्षम तभी होगी जब आंख के साथ मन होगा, कान श्रवण करने में सक्षम तभी होंगे जब कान के साथ मन होगा। अगर मन नहीं है तो आपकी इंद्रियां सबल होते हुए भी वो किसी काम की नहीं है। लेकिन वास्तव में इस इंद्रिय का प्रयोग क्या है, प्रयोजन क्या है? क्या विषयों के लिए? कहा नहीं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। जीने का अर्थ है उस परम तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, लालसा उत्पन्न हो जाए, ललक पैदा हो जाए, वो तत्व कौन सा है जिसके कारण हम मनुष्य बने हैं और संसार सागर में भटक रहे हैं। एक अनोखी शांति के लिए प्रयास करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए कर्म करते हैं लेकिन उससे दुख होता है। स्वाभाविक रूप से दुख के लिए कोई कर्म क्रिया नहीं की जाती, लेकिन दुख जो है वह स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जब इन तमाम प्रश्नों में अपने आप स्वरूप से मंथन किया जाता है तब वह
फिर अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार होता है कि इसकी शांति, इसका कोई प्रश्न, इसका कोई समाधान हमको मिले। नारायण, और ये जो प्रश्न उठते हैं ये किसी महापुरुष के, जो सुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जायते, किसी जो साधना कर चुका है व्यक्ति, उसकी साधना रुकी हुई है और वह फिर उस साधना को प्रारंभ करता है तो कहां से करता है? कहा सदगुरु के सानिध्य में। और वह जो सदगुरु के सानिध्य में पहुंचता है तो नारायण उसकी साधना वहीं से प्रारंभ होती है, उसके अनेक प्रश्न उसके हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं और उन प्रश्नों को, वह जो प्रश्न है उन प्रश्नों को वह धीरे 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 बोलता है, संकलित करता है और उनके उनको फिर एक ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर लेता है, ग्रंथ, और उसको एक पुस्तक का आकार दे देता है। लेकिन वही जो पुस्तक, आप देखें पुस्तक, ये पुस्तक उस तक पहुंचाने का माध्यम है। मुझे लगता है पुस, जब तक हम पुस नहीं करेंगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन ये पुस्तक कहां तक? कहा उस तक पहुंचाने के लिए। ये किनके द्वारा है? कहा जो उस तक पहुंचे हुए महापुरुष हैं उनके द्वारा। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं और नारायण पोद्दार परिवार को मैं साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत भगवान की इनके ऊपर महती कृपा है, ऐसे लाल का इनके यहाँ जन्म हुआ जो अध्यात्म के मार्ग पर इतने कम समय में और इस ऊंचाई सीढ़ी पर पहुंचे, भोरी भोरी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अधिक कुछ न कहकर केवल इतना ही कहूँगा, नारायण यह जो जीवन मिला है इसको सार्थक बनाने के लिए, जैसे अभी आपने देखा हमारी बहन जी के माध्यम से आपने भजन सुना, तो भजन से मन प्रसन्न हो गया, भोजन से अगर तन प्रसन्न होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, तो भजन से मन प्रसन्न होता है। और बिगड़े हुए मन को भजन में लगाने के लिए दो ही साधन हैं, या तो संत है या भगवंत है। भगवंत का भजन हो जाए और संत का साथ हो जाए, जीवन पवित्र हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में विनम्र समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे। बहुत सुंदर वचन कहा गया है हमारे शास्त्रों में, शैले शैले ना माणिक्यम, मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र, चंदनम ना वने वने। जिस तरह हर पर्वत पे माणिक्य नहीं होते और मौक्तिक, हर गज के मस्तक पर मौक्तिक नहीं होते, इसी तरह साधु भी हर जगह नहीं हमें मिलते, ईश्वर की कृपा से मिलते हैं, और चंदन भी हर वन में नहीं होते। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य जी और गुरु महाराज यहाँ पर हैं। और बहुत ही सुंदर वचनों में आचार्य अखिलेश जी ने एक मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये एक यात्रा है नरसे नारायण होने की, और इसी यात्रा को बिना गुरु के पाना बहुत मुश्किल है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी महाराज मौनी रविपुरी जी से कि कृपया वो अपना उद्बोधन इस चीज को थोड़ा सा और यहाँ पर उपस्थित शुद्धि जनों को बताएं कि हम इस यात्रा का कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, कैसे हम सही मार्ग को पकड़ सकते हैं और इस नरसे नारायण होने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। महाराज जी से निवेदन। नारायण 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 नारायण। एक परंपरा की बातें हैं, आप भी जान लेना। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, या और कोई शुभ कार्य के लिए करने के लिए जा रहे हैं, तो चार बार नारायण उच्चारण कर लेना। इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि और कुछ ज़्यादा करने की जो आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हम चार बार नारायण उच्चारण कर ले रहे। आज हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं एक शुभ कार्य के लिए, ग्रंथ विमोचन के लिए। ये जो हम एकत्रित हुए हैं, एक कोई
मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हुए। आई मे कॉल इट स्पिरिचुअल रिट्रीट, आध्यात्मिक गोष्ठी। और इसमें जहां तक हो सके सरल भाषा में आप सब की जो व्यावहारिक भाषा है उसी के सहारे कहने का प्रयास करूंगा। शास्त्र का निचोड़ रहेगा पर आप सब की भाषा में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वेशभूषा देख के आप हमारे बारे में, मेरे बारे में जो सोच रहे हैं, ऐसा मैं नहीं हूं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूं आपकी तरह। और आगे बढ़े, भाषा सरल है पर ध्यान देने लायक है। मैं भी इंसान हूं आप सब की तरह, नॉट ओनली दैट आई एम ऑल्सो ए हाउस होल्डर। खटक गया ना, क्योंकि हाउस होल्डर शब्द का अर्थ वही आप जानते हैं, जो ब्याह शादी करके परिवार पालते हैं वही है हाउस होल्डर। परंतु इस दृष्टि से कभी आपने देखा, कभी सोचा ये हाउस होल्डर शब्द का मतलब क्या है, गृहस्थी शब्द का मतलब क्या है? जो गृह में रहते हैं उसको कहते हैं गृहस्थी। हाउस में, गृह में जो रहते हैं वही है गृहस्थी, वही है हाउस होल्डर। और वो तो है जो संसार में है, बड़े बड़े मकान है उसको हाउस कहते हैं, गृह कहते हैं। पर ये भी तो एक गृह है, ये शरीर। इस गृह में मैं रहता हूं, इसलिए आई एम ऑल्सो हाउस होल्डर। घर जब बनाना पड़ता है तो घर बनाने के पीछे आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए। अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियर हो तो घर ठीक से बन जाता है। उसके ऊपर से अगर संस्कार हो, वास्तुशास्त्र का ज्ञान हो, नॉर्थ ईस्ट कोन में दरवाजा रखे, ये सब विधान है। फिर घर में अगर एक्वेरियम हो तो लाल मछली रखे, रेड फिश रखे, ये सब वास्तुशास्त्र के लिए है। तो आर्किटेक्ट बढ़िया होना चाहिए घर बनाने के लिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर बढ़िया होना चाहिए। यहां तक जब प्रश्न आता है तो मन में स्वाभाविक रूप में यही जिज्ञासा होती है, ये जो घर है इस घर को किसने बनाया? Isn't it? कभी पूछा आपने, ये जो आपका घर है, हाउस है, शरीर, इसको किसने बनाया? बच्चा से पूछो, मन में वही है, माँ ने बनाई, माँ ने बनाई शरीर। अच्छा, पर इसके पीछे एक तो लॉजिक है, जो बनाता है कुछ वो जानता है क्या तरीका है, कैसे बनाया जाता। द आर्किटेक्ट, द इंजीनियर, दे नो हाउ टू बिल्ड अप ए हाउस। सीमेंट, बजरी, सड़िया, क्या क्या चाहिए और उसके बाद क्या क्या, किस किस स्टेज हमको फेस करना पड़ेगा, वो सब जानते हैं। जान के ही तो घर बनाते हैं। नाउ द बेबी शुड आस्क द मदर कि मम्मी ये शरीर तुमने कैसे बनाया, मम्मी ये आंखें कैसे बनी, लीवर कैसे बनाया तुमने? नो आंसर। फिर सोचता है कि बाप माँ दोनों मिलके शरीर बनाया, जाके बाप से पूछता है, डैडी ये लीवर कैसे बनाया? पता नहीं, बाप माँ दोनों मिलके ये शरीर बनाया ही नहीं, क्योंकि अगर बनाते तो उनको पता चलता, बोल देते भाई ऐसे बनाई, आंखें ऐसी बनी, लीवर ऐसे बनाया, ब्लड ऐसे बनाया। तो पेरेंट्स आर नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस बॉडी, निश्चय हो गया ना। स्वीकार करने कठिन है, इसको स्वीकार करना बहुत कठिन है, पर लॉजिकली करेक्ट, स्पिरिचुअली करेक्ट, इस शरीर को बाप माँ ने नहीं बनाया। नास्तिक व्यक्ति कह देंगे नेचुरली बना, नेचुरली आपने आप बन गया। तो ये नेचुरली कैसे बन सकता है? नेचर तो अनकॉन्शियस है, उसमें शरीर बनाने की शक्ति कहां से है? मेरे एक मित्र है नासा में रिटायर्ड प्रोफेसर, उनके साथ चर्चा चली तो वो भी स्वीकार किया कि ये थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन,
ये आगे जाके ये प्रक्रिया रुक क्यों गई? आगे एवोल्यूशन और क्यों नहीं, मनुष्य तक आके ही रुक गई? माने प्रकृति भी लिमिटेड है और उसमें कोई ढंग नहीं है, बेढंगा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। डोंट रिलाई ऑन प्रकृति। नास्तिक लोग कह देते हैं प्रकृति से बन गई, तो ये शरीर बाप माँ ने नहीं बनाए, ये शरीर प्रकृति से नहीं बनी, कौन रह गए, कौन रह गए ये शरीर बनाने के पीछे? मैं भगवान लॉर्ड अल्लाह ये बोलना नहीं चाहता हूं, तो किसी किसी शब्द में किसी किसी की एलर्जी है, तो मैं एक बहुत सुंदर शब्द चुना, उसको समझने का प्रयास करें। इनविजिबल सुपर नेचुरल इंटेलेक्चुअल पावर इज द क्रिएटर, इनविजिबल अदृश्य एक सुपर नेचुरल अलौकिक बौद्धिक शक्ति जो इस सृष्टि की, इस शरीर को, इसका नाम आप गॉड रख ले, लॉर्ड रख ले, व्हाटएवर यू लाइक। तो एक अदृश्य अलौकिक शक्ति युक्त बुद्धि ये शरीर बनाने के पीछे है। इसको स्वीकार करना कठिन है क्योंकि हम जानते हैं शरीर के बिना बुद्धि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बट आई आस्क यू ए क्वेश्चन, स्वप्न अवस्था में शरीर का तो भान ही नहीं रहता पर बुद्धि तो काम करती है, निद्रा में बिल्कुल ही भान नहीं पर बुद्धि काम करती है। सुख से सोया था, कुछ पता ही नहीं था, जागने के बाद बोलता है, बुद्धि को ज्ञान हुआ। तो शरीर के बिना भी एक बुद्धि होना स्वाभाविक है। अब सृष्टि तो हो गई, सारी सृष्टि हो गई, और इस सृष्टि के पीछे जो है मेन प्रॉब्लम दुख, पशु पक्षी से लेके इंसान तक सब दुखी है, दुख भोगते रहते हैं। पशु पक्षी में ये जिज्ञासा ही नहीं कि इस दुख से मैं कैसे निकल जाऊं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। पशु पक्षी में ये जिज्ञासा ही नहीं कि ये दुख क्यों भोगे, इससे निकलने के लिए कोई उपाय है कि नहीं, पर वो भोग लेते हैं, वो भोग लेते हैं, ठंडी गर्मी सब आप देख रहे हैं, जहां तहां पड़े पड़े भोग लेते हैं। और इंसान, इंसान भोगने के लिए तैयार नहीं है। दुख दो प्रकार, बॉडीली पेन, मेंटल पेन। शरीर से जो दुख हम भोगते आ रहे हैं उसकी निवृत्ति के लिए अनेक प्रयास हमने किया। आप एक बार सोचिए तो सही, दृष्टि बदल लीजिए। लाखों वर्ष पहले पशु पक्षी जिस ढंग से रहते थे आज भी उसी ढंग से रह रहे हैं। एक घोंसला बना के कबूतर रहता है, और हम लाखों वर्ष पहले कभी जंगल में रहते थे, कभी गुफा में रहते थे, कभी धीरे धीरे झोपड़ी में रहने लगे, फिर लकड़ी का मकान करते करते आज पक्का मकान, एसी, रूम हीटर, गीजर सब लगा के बैठे हैं। ये एक दिन का खेल नहीं है। इसके पीछे आप एक बार सोचिए, स्पिरिचुअल व्यू, इसके पीछे कारण क्या है? एक पक्षी ने बहुत बढ़िया घोंसला बना ली परंतु वहां तक सीमित है। वो पक्षी उस घोंसले के बारे में अपना ज्ञान नेक्स्ट जेनरेशन को देने में असमर्थ है। परंतु हम मनुष्य, हम अपना ज्ञान अगले जेनरेशन को देने के में समर्थ है, और इसीलिए लाखों वर्ष पहले ये ज्ञान बांटते 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 आज हम यहां तक पहुंचे। लाइफस्टाइल हम लोगों ने चेंज कर लिया। Why? ये क्यों? पूरी सृष्टि में कोई अपना ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन को देने में असमर्थ है और हम इंसानी समर्थ है अपना ज्ञान अगले जनरेशन को देने के लिए। What is the reason behind? Grace. ये है वही अदृश्य अलौकिक दिव्य शक्ति युक्त यह बुद्धि है, उसकी कृपा।
और देखिए, कृपा तो गिनती करे तो शेष नहीं है इस संसार में। आपने देखा, मैंने देखा कुत्ता को खूब रोते हुए, रात भर कुत्ता रो रहा, कुत्ता हंस नहीं सकता। गाय को रोते हुए देखा, बछड़ा मर गया, गौ माता रो रही है, गाय हंस नहीं सकती। सारी सृष्टि में कोई हंसी नहीं सकता एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। हम हंस सकते हैं, वी कैन स्माइल, पर आज स्थिति ऐसी हो गई, इंसान के मुख से हंसी चली गई और वहां टेंशन आ गया। क्यों? क्योंकि दृष्टि बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और दृष्टि बिगड़ने के कारण हम ढूंढ नहीं पाते हैं कि हमें शांति कैसे मिल सकती है। आप सबको हर रोज एक झलक शांति तो मिलती है, कब? जब आप रात को सो जाते हैं। रात को जब सो जाते हैं उस समय शांति मिलती है। एक बात और ध्यान रखना, सुख और शांति, हैप्पीनेस एंड पीस, इट्स डिफरेंट। ठंडी आ गई, रूम हीटर खरीद के ले आया, ठंडी गई, गीजर ले आया, आराम से स्नान कर लिया, ये सुख हम खरीद सकते हैं, बट पीस, शांति खरीद सकते हैं? इम्पॉसिबल। 2000 रुपया दे दूं मैं, जाओ बाजार से शांति खरीद के ले आओ, यू कैन नॉट परचेज। परंतु शांति की एक झलक रोज रात को मिलती है, कैसे? जब हम सो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कारण यही है, हमने संसार को भूल गया और इनएक्टिव हो गए हम। संसार को भूल के, इनएक्टिव होके हमें शांति मिलती है, परंतु जागने के बाद वही संसार को पकड़ के हम एक्टिव होकर शांति ढूंढने लगते हैं। बेवकूफी की एक सीमा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जागृत अवस्था में कोई भी व्यक्ति चुपचाप बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। अब जब कोई कुछ करता रहेगा, उसमें जो मेन है, अच्छा, फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पशु और इंसान की जो क्रिया है उसको समझ लीजिए। द पशु इन माय एनिमल, एनिमल एक्ट्स, बट ह्यूमन वी वर्क। एक्शन और वर्किंग, ये दोनों में डिफरेंस है। एक्शन इज ग्लोरी और इसके साथ साथ डिग्निटी भी है। परंतु हम जब कुछ करने लगते हैं, आप देख लेना अपने जीवन में, दूसरों को नहीं देखना, अपने जीवन में देखना, ऑल योर एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन इगोसेंट्रिक, अहंकार के ऊपर हम सब काम करते हैं। और जब अहंकार के ऊपर हम काम करते हैं, इस अहंकार को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। ये अहंकार का सबसे पहला लक्षण क्या है पता है आपको? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट अहंकार का परिचय। और इसको सिद्ध करने के लिए बहाना चला की दुनिया भर की बातें हम खड़ा कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम इस ईगो को, अहंकार को थोड़ा बहुत विश्लेषण करें कि आप देखेंगे इसके सहारे एक आप दुराग्रह प्रकट करते हैं, इसके सहारे आप कुतर्क करते हैं, और इसके सहारे आप ये परिचय दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि खोटी है, मंदबुद्धि है। तीन, कम से कम तीनों को पहचान के हम अपना जो अहंकार है उसको शिथिल कर सकते हैं। अहंकार को अगर शिथिल कर दे तो दृष्टि बदल जाती है। अब आइए डेली लाइफ की बातें मैं एक सुना दूं। एक डिवोटी है हमारे कानपुर में, उसका एक दिन फोन आया, ऑयल मिल है,
स्वामी जी, वो जो मैनेजर है उसको 12-13 लाख रुपया दिया था बैंक में जमा करने के लिए, वो मैनेजर लाख रुपया लेके भाग गया, पूरा पैसा लेके भाग गया, क्या करें। हमने कहा कोई बात नहीं, इतना समझ लो स्पिरिचुअल व्यू, इतना समझ लो कि तुम्हारा पाप कट गया। कुछ पाप काटा? अच्छा, अगर समझ लोगे कि पाप कट गया तो सहन शक्ति बढ़ेगी, जब पाप कट गया सहन शक्ति बढ़ेगी तो अड़ोस पड़ोस में जो है सब सिंपैथी जनाने के बताने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, सहानुभूति जताएंगे, एंड एट द सेम टाइम भगवान की कृपा होगी। चार, बनिया था गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, तो बनिया तो प्रॉफिट ही जानता है। तो मैंने कहा 13 लाख रुपया लेके जो मैनेजर भाग गया, फर्स्ट प्रॉफिट पाप का नाश, सेकंड प्रॉफिट सहन शक्ति वृद्धि, थर्ड प्रॉफिट सिंपैथी गेनिंग सिंपैथी, फोर्थ प्रॉफिट रॉड्स ग्रेस। हे स्वामी जी, ये आप साधु हो, आप ही ऐसे कह सकते हो? हमारी जगह खड़े हो जाओ एक बार, पता चलेगा 13 लाख रुपया निकल जाने के बाद क्या होता है। अनका ओके, जाओ FIR करो, कोई राजनेता हो परिचित बड़े आदमी हो, दबाव डालो मिल जाए। अब व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हो गई, वो कहने लगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, पहले आप कह रहे हो सहन कर लो पाप कट गया सहन शक्ति बढ़ेगी भगवत कृपा होगी, आप कह रहे हो FIR करो। मैंने कहा देखो दोनों करना पड़ेगा इस जमाने में रहने के लिए, ये हम खाली माला जपने के लिए नहीं कहते, पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहते, ये सब तैयारी चाहिए। अगर FIR करके कहीं से दबाव डाल के वो मैनेजर वो पैसा मिल जाए सोने पे सुहागा, अगर वो ना मिले यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, मानसिक दुख से तो बच जाएंगे। तो यहां तक मैंने जो कहा, अब आप सबके मन में यही आ रहा ये काम तो साइकेट्रिस्ट भी कर सकता है, तो इसके पीछे बहुत विचार करके हमारे महापुरुषों ने ये स्वीकार किया। देयर आर टू स्टेजेस इन स्पिरिचुअलिटी, द फर्स्ट स्टेज इज सेल्फ मैनेजमेंट, फर्स्ट स्टेज इज सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपना व्यवहार दैनंदिन जीवन उसको शांति से निभाओ। स्पिरिचुअलिटी देयर आर टू स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इज सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें साइकोलॉजी भी आवश्यक पड़े। ओके, सेल्फ मैनेजमेंट हो जाने के बाद देन एंटर सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ मैनेजमेंट पहले चाहिए, पहले अपना जीवन ठीक करें, देन सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर आइए स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करने के लिए। आज हम सब एकत्रित हुए हैं वो ग्रंथ विमोचन करने के लिए। अभी ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया, अब ग्रंथ का विमोचन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत संकेत भी कर रहे हैं। यह है ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है सर्च ऑफ ए पाथ फाइंडर, एक खोजी की खोज। थिक बुक, मोटा ग्रंथ है, किसी को पढ़ने के लिए समय नहीं है। इसमें ब्रीफली ओनली क्वेश्चन आंसर के सहारे बताया गया जो खोज आप सबके मन में है, उस खोज के लिए एक नवीन दिशा देने के लिए पर्याप्त है अगर आप विचार करेंगे। इसमें अलग अलग चैप्टर है, धर्म प्रकरण, मानस प्रकरण, योगा प्रकरण,
कर्म प्रकरण, अहम प्रकरण, इस प्रकार संक्षेप में संकेत ही कर दूं। व्हाट इज रिलीजियन कभी सोचा आपने? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध यही रिलीजियन है? नो, आई टोटली रिग्रेट, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? रिलीजियन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्योर ह्यूमैनिटी ऑलरेडी इन ह्यूमन। मनुष्य के अंदर जो शुद्ध, इंसान के अंदर जो शुद्ध इंसानियत है, उसको विकसित करने का नाम है धर्म। व्हाट अबाउट दीज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? आइए गुरु ग्रंथ साहब से बताते हैं। आज्ञा पाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन का हुकुम है गुरु मानियो ग्रंथ। दीज आर ऑल पंथ, नॉट धर्म। और कठोर शब्द कह देता हूं, वृंदावन के परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने कहा किसी वैदिक ग्रंथ में हिंदू धर्म शब्द आया ही नहीं। कैन यू बिलीव? ये सब पंथ है, साधना है। तो धर्म का लक्षण ये है, यहां लिखा गया, इंसान के अंदर जो शुद्ध इंसानियत है, जिसमें कोई खोट नहीं, चलाकी नहीं, बहाना नहीं, उसको विकसित करने का नाम है धर्म। याद रखना, पढ़ लेना आगे। और आगे चलिए कर्म के बारे में। गीता में सुन लिया, कर्मण्य बाधिका रास्ते मा फलेषु कर्म कदाचन, मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। मा कर्म फल हेतुर्भो, मास्ते संगस्त कर्मणि। वो कर्म का कारण भी नहीं मानना अपने को, और निकम्मा बैठे भी नहीं रहना। चार बातें बता दी गीता में। सब पूछते हैं महाराज जी, फल की इच्छा किए बिना हम काम कैसे करें, बिजनेस कैसे चलाएं फल की इच्छा के बिना? बहुत बारीकी विचार है, ये भी यहां लिखा हुआ है। बिजनेस करना है, फैक्ट्री चलाना है, एग्जामिन योर वर्क, एग्जामिन करें, अच्छी तरह से विचार करें कि ये करने से मेरे को ये मिलना है। एग्जामिन योर वर्क बट डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट, जो है वो अपने सिर पे नहीं रखना, वो तो परमात्मा की तरफ से फल मिलना है। मा फलेषु कदाचन, तो एक्सपेक्टेशन और एग्जामिनेशन आर डिफरेंट। आफ्टर एग्जामिनेशन यू स्टार्ट योर वर्क बट डोंट एक्सपेक्ट। कर्म प्रकरण में आया, और सबसे जो दुखदायी स्थिति है आजकल देख रहा हूं मैं, अनुलोम विलोम, समझ गए आप कहां से ये चला भगवान जाने। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, जिसको हम भस्त्रिका कहते थे, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? सांस बंद करना, यही चित्तवृत्ति निरोध है। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, पहला सूत्र योग शास्त्र में। योग माने चित्तवृत्ति को निरोध करना, निरोध, निग्रह। निग्रह माने पूर्ण रूप से पकड़ के रखना, पूर्ण रूप से पकड़ना। दो प्रकार है, कैसे? जैसे गौशाला में गाय भैंस को पकड़ के बांध के, खूंटे में बांध के रखते हैं, ये एक पकड़ना है। और दूसरा पकड़ना कैसा है? तलवार पकड़ना। तलवार पकड़ने का मतलब है आपको तलवार कैसे चलाना है ये भी जानना पड़ेगा। बहुत खेद की बात है, वो जो पहला अर्थ बताया वही आजकल चालू है, मन को पकड़ के रखो, मन इधर उधर ना भागे। बहुत गलत प्रचार है। ऐसे पकड़ने के लिए पतंजलि नहीं कही, पतंजलि ने दूसरा अर्थ कहा, तलवार पकड़ो। जैसे इसी प्रकार मन को पकड़ो, और मन को चलाने की जो तरीका है पूरे संसार में, व्यवहार में, उसे सीखो। चंचल मन दुखदाई नहीं है, ये भी जान लेना। एक बच्चा का चंचल मन है, दुखदाई नहीं है, खिला हुआ मन है। ये अशुद्ध मन ही दुखदाई है। इसलिए मन को चलाने के लिए
मन को शुद्ध करना ही, हम अपना मन शुद्ध कर ले भले ही वो चंचल होवे, दुखदाई कभी नहीं। इस विषय में भी यहां चर्चा की गई है, अहंकार के बारे में चर्चा की गई है। आई टेल यू वन थिंग, ये अहंकार ऐसे झट से खड़ा नहीं होता। अहंकार मैं आई, यू कैन नॉट स्पीक थ्रू आउट द डे। मैं करके आप दिन भर बोल नहीं सकते। आपको अगर बोलना है तो कुछ और सहारा लेना पड़ेगा। मैं करके दिन भर नहीं बोल सकते हैं, पर अहंकार जो है ईगो वांट्स आइडेंटिटी, मेरे को सब जाने। बड़े बड़े सब जो पहुंचे हुए हैं वो भी हमें कहते हैं मेरे को तो प्रतिष्ठा चाहिए, शक्ति चाहिए, माने मेरे को सब जाने। ईगो नीड्स आइडेंटिटी बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो अहंकार जब खड़ा होगा, मैं जब खड़ा होगा, अकेले नहीं, मेरी कहानी लेके अहंकार खड़ा हो जाएगा। और जब मेरी कहानी है तो तेरी कहानी भी है, सामने जो खड़ा है वो भी अपना कहना, अपना जो कथा, अपनी कथा शुरू कर देगा। दीज आर द स्टेजेस। मैं, ईगो नीड्स आइडेंटिटी। सेकेंड स्टेज, इट स्टार्ट्स विथ हिज ओन स्टोरी। थर्ड स्टेज, सामने जो है वो भी कह देता है अपनी कथा, अपनी कहानी। जब इस प्रकार से कहता है तो जो बोलने वाला पहला ईगो है वो कहता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, शुरू हो गया। ये द्वंद्व शुरू हो जाता है और उसके बाद मन में आता है ये बंदा सामने से हट जाए। लास्ट स्टेज पहुंच गए हम, बंदा हट जाए। अगर वो हटे तो भी आनंद मिलता है, वो ना हटे तो भी रस मिलता है लड़ाई करके। अब इस ईगो को हम कैसे खत्म करें? अहंकार के बिना जीवन नहीं चलता, धंधा नहीं चलेगा, फैक्ट्री बंद, दुनियादारी बंद, इसको हम खत्म करके कैसे करें? आप सबकी बात तो छोड़ो, मैं अपने जीवन की बातें बता रहा हूं। किसी संत के साथ शास्त्र के ऊपर कुछ चर्चा चली, बहुत देर तक चर्चा चली। उस संत गलत बोल रहे थे, शास्त्र से बाहर बोल रहे थे, बहुत ऊंचा बोलने लगे। चर्चा चलते 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 मैं झट से कह दिया, ओके स्वामी जी, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। इफ यू कैन डू इट, आप सही हो ये जानते हुए भी जो सामने तर्क करने वाला है, अहंकारी है, उसको कह दो यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, देखना वातावरण बदल जाएगा। ये सब का संकेत इस ग्रंथ में है। इसी को हम कह रहे हैं आध्यात्मिक खोज। अब आया कार्तिकेय के बारे में। ये ग्रंथ एक दिन का नहीं है, देखने में छोटा लगता है। 2016 से शुरू हुआ था, 4-5 साल लग गए। कैसे? मैं पंजाब में था तो कार्तिकेय का व्हाट्सएप में SMS आया कुछ प्रश्न, मैं चकित हो गया। फिर आगे जाके वो एकदम सैकड़ों प्रश्न लिख के बाय पोस्ट भेज दिया मेरे को, सब लिखा है इसमें, देख लेना। मैं चकित हो गया। और परिचय नवीन परिचय, ज्यादा परिचय भी नहीं है, ये कैसे हो सकता? और मेरे सामने तो ऐसे आज तक कोई डिवोटी नहीं आया इस प्रकार प्रश्न लेके। मेरे को झट से भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई, जो अभी आचार्य कह रहे थे, जो एक जन्म में साधन भजन करते करते किसी कारण से मर गया, वो अगले जन्म में वहीं से साधन भजन प्रारंभ करेगा। सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भी जाय, ऐसे ये योग भ्रष्ट है जिसका साधन, जिसकी साधना पूर्व जन्म में अधूरी रह गई, वो फिर किसी संपन्न घर में जन्म लेकर समय आते ही वो जिज्ञासा जागृत हो जाती है और प्रश्न निकल के आता है, वो खोजी खोज शुरू कर देता है। आप सबको ग्रंथ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये तो मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल गोष्ठी जो कहा था उसी के आधार पर बोल दिया, सरल भाषा में पर शास्त्रीय भाषा है, ये जान लेना। इसको ध्यान रखें, ग्रंथ का विचार करें तो इसी में ग्रंथ विमोचन की सार्थकता।
धर्मे मतिरस्तु भगवती रतिरस्तु स्वात्मनि स्थितिरस्तु ओम शांति शांति। नाउ आई एम स्पीचलेस। इतना सुंदर अमृतपान करने के बाद क्या बोलूं और क्या सोचूं। एक दूसरी जगह से एकदम से वापस लौट के आना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि कहा गया है कि कल्प वृक्ष के नीचे वो मिलता है जिसकी हम कल्पना करते हैं, और कामधेनु से हमें वो प्राप्त होता है जिसकी हमें कामना होती है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं, उनके संग में आकर हमें शायद वो मिलता है जो शायद इस जीवन का लक्ष्य है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस सत्संग में बैठे हुए आपको एक चीज लगी होगी कि मैं यहाँ बोल रही हूँ और स्वामी महाराज का उद्बोधन हुआ, मैंने स्वामी जी का परिचय नहीं दिया। क्योंकि शायद जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके जो मन कर्म वचन और वाणी और व्यवहार होता है वही उनका परिचय होता है। और स्वामी जी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनका कोई परिचय दिया जाए। तो उनका परिचय मतलब मेरे पास उपलब्ध होना भी अपने आप में एक बड़ी चीज थी। दो चार जानकारी जो मैं जुटा पाई वो भी बताने से मना किया था, लेकिन कितना भी हम लोग अभी कर लें दो मिनट का सत्संग, हम उस अहंकार उस लोभ से इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आपका परिचय देने का लोभ में संवरण ना करते हुए दो चार चीजें मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूंगी आपके बारे में कि स्वतंत्र भारत में ब्राह्मण परिवार में जन्मे परम पूजनीय स्वामी पुरी जी महाराज ने कलकत्ता के सेंट पॉल स्कूल से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करके साइकोलॉजी में और मेडिसिन में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ाना प्रारंभ किया था। तब तक स्वामी जी महाराज को वैराग्य का स्पर्श होने लगा था और उन्होंने यूएनओ वियना ऑस्ट्रिया से एज डिप्लोमेट कार्य किया और यूएसए में इवनिंग में एमबीए की क्लासेस भी लेने लगे थे। वैराग्य के प्रति तीव्र लगाव के कारण ही 22 वर्ष की अल्पायु में स्वामी जी महाराज आर के मिशन के संत के निकट आए। लेकिन उनकी जो संपन्नता थी, स्वामी रविपुरी जी महाराज की जो संपन्नता थी और जो वैभवशाली दिनचर्या थी, उससे उन्हें ये लगा कि ये व्यक्ति शायद अध्यात्म के लिए नहीं बना है। उन्होंने ये जानकर महाराज को लौटा दिया, किंतु अध्यात्म के प्रति आकर्षण ने उनको जॉब और यूरोप दोनों छोड़कर पहुंचा दिया हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। और हर की पौड़ी पर वहां पर आके स्वामी जी महाराज भिक्षा यापन करके और आश्रम में सेवा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब पूरी तरह महाराज जी संतों के जीवन शैली का अनुसरण कर रहे थे, अपने 6 गुरुओं के द्वारा प्राप्त की हुई विद्या से और अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करके। तब से आप हिमाचल से तमिलनाडु तक भ्रमण करते रहे और विभिन्न साधुओं और साधकों को आपने शिक्षा प्रदान करते रहे। आज 70 वर्ष की आयु में पहुंचकर भी महाराज का एक भी पारंपरिक शिष्य नहीं है, ना ही एक जमीन का कोई टुकड़ा या कहें कोई मठ महाराज जी का है, शायद जिन पर प्रभु की कृपा होती है। जैसे कि हमारे बहुत ही परम स्नेही कार्तिकेय जी पर कृपा हुई भगवान की, जो महाराज जी के संग में पहुंचे। आपका लक्ष्य जीवन का सिर्फ गंभीर साधकों को सही मार्गदर्शन करना है और उसमें स्वामी जी महाराज निरंतर लगे हुए हैं। आपका प्रेरणादायक जीवन परिचय अद्भुत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस स्थान और काल को आपके ईश्वरीय तत्व से सुशोभित करें। धन्यवाद स्वामी जी, मेरी दृष्टता को क्षमा करेंगे। नहीं, ये जो है ना, ये मेरा परिचय नहीं है। दिस आर ऑल माय ऑर्नामेंट्स, आभूषण। मैंने तो फेंक दिया, बट एनीवे थैंक यू। और उसके बाद आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए महाराज जी के परम भक्त और शिष्य मैं बोलूंगी कार्तिकेय जी से कि महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। महाराज जी का मैं आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ उन्होंने आज हमारे सामने विचार व्यक्त करें। प्रैक्टिकल अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी ही पर्पस है। आचार्य जी वृंदावन से आए हैं, इसके लिए उनका मैं आभारी हूँ। राशि जी के बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं आपका, अच्छा लगा। आरती जी थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसके साथ एक लाइन मैं बस कहना चाहता हूँ,
ये जो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग है, ये हम सबकी लाइफ में, जब एक सबकी लाइफ में आती है एम्प्टीनेस, अनएक्सप्लेनेबल फियर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका सॉल्यूशन हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें ढूंढ रहे होते हैं. सैटिस्फैक्शन, वी आर लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन. थोड़ा सा डायरेक्शन डाइवर्ट करना है कि उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप डाइवर्ट कर दें तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा. बस यही बात है. थैंक यू सो मच. सभी के धन्यवाद के साथ ही सबसे ज्यादा आभार है कार्तिकेय जी का, क्योंकि आज वो एक सूत्रधार के रूप में यहाँ पर रहे और उन्होंने ही शायद यहाँ पर, उन्हीं के ये प्रयत्नों का फल है कि स्वामी जी महाराज के यहाँ खेलगांव में चरण पड़े और हम सभी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक खोजी की खोज पुस्तक का जिसका विमोचन हुआ है, ये आप सभी के लिए उपलब्ध है. और जो मानव जीवन का लक्ष्य है नरसे नारायण होने का, नारायण की प्राप्ति का, नारायण होने का, वो शायद हम लोगों को कहीं ना कहीं इस पुस्तक के द्वारा वो सही मार्ग मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगी. तो ये आप सभी के लिए उपलब्ध है और आप लोग इसको पढ़ें. और इसके बाद आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है पीछे, बल्कि स्वल्पाहार ना कह के मैं इसे प्रभु का प्रसाद कहूंगी कि आप सभी प्रसाद पाकर ही सत्संग से जाइएगा.